नमस्कार दोस्तों, अमित टेक पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं, उनका फॉर्म नहीं हो पा रहा, किसी में NPCI नहीं है या फिर सर्वर इशू भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। जब भी हम लोग फॉर्म ऑनलाइन करते हैं किसी न किसी प्रकार का एरर आ जाता है तो हमारा लोगों का जो है फॉर्म नहीं हो पाता। तो इसी बात को लेकर बच्चे परेशान हैं, सोच रहे हैं कि अब टाइम भी बहुत कम बचा है तो क्या इस बार हमारी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसी बात को लेके बच्चे बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है, हर साल हमारा जब यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन किया जाता है तो हमेशा से ही उसमें सर्वर की दिक्कत रहती है, कभी भी जो है उसकी साइट सही से नहीं काम करती और हर साल जो है डेट बढ़ाई जाती है। तो इसलिए आप परेशान मत होइए, आप कोशिश करिए आपका फॉर्म हो जाए। अगर किसी कारण से आपका फॉर्म नहीं हो पा रहा है तो आप मत परेशान होइए, आपकी यूपी स्कॉलरशिप की डेट निश्चित ही बढ़ाई जाएगी, इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल आप कोशिश करते रहिए, अगर फॉर्म फिर भी नहीं हो पा रहा है तो जो है आपकी डेट निश्चित ही बढ़ेगी। आप लोग जो है ये मत सोचिए कि नहीं हमारा जो है फॉर्म नहीं हो पाएगा तो डेट नहीं बढ़ेगी, इसलिए आप लोग जो है बेफिक्र रहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरा छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।